गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में जैसा कि आपको पता है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत की, जिसमें एक के बाद एक फाइलम को हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम दुनिया के अलग अलग एनिमल्स के, उनके जनरल कैरेक्टर्स के, किस हिसाब से उनको अलग अलग फाइलम में रखा गया है, इन सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्रम जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने प्रोटोजोआ, ओरिपेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज और उसके बाद फाइलम एनलेडा को पढ़ा। फाइलम एनलेडा के बाद जो आज का फाइलम है उसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आपको बता दूं कि जितने भी फाइलम हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिटेल में जो बात होने वाली है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा आपके सभी फाइलम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में, जितने भी मेडिकल एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इस फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो स्टार्ट करता हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा को। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन की, इसके जनरल कैरेक्टर्स की, और साथ ही साथ बात करेंगे इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी मेंबर की, जिसे हम कहते हैं कॉकरोच, हिंदी में से तिलचट्टा, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जो वर्ड है हमारा आर्थ्रोपोडा, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, जी आर यानी जर्मन। तो ये जो वर्ड है आर्थ्रोपोडा, ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है आर्थ्रोस, जिसका मतलब होता है ज्वाइंटेड यानी कि खंडयुक्त, और दूसरा मतलब है वर्ड है पोडॉज, जिसका मतलब होता है लेग्स यानी कि पैर। ऐसे जंतु जिनमें खंडयुक्त पैर यानी ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं उन्हें हम रखते हैं आर्थ्रोपोडा में। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, क्या मतलब है खंडयुक्त पैरों का? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉकरोच को अगर हम देखें तो इसके जो आप पैर देख रहे हो, ये जो लेग्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो ऐसे सेगमेंट से बने हुए लेग्स को हम क्या कह रहे हैं? ज्वाइंटेड लेग्स, यानी कि खंडयुक्त पैर होते हैं इस फाइलम के मेंबर्स में। ये इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, या हम कह सकते हैं ये इनका विभेदक लक्षण, पिक्यूलियर कैरेक्टर। पिक्यूलियर कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो किसी अन्य फाइलम के मेंबर्स में ना पाया जाए, उसे हम हिंदी में विभेदक लक्षण, इंग्लिश में पिक्यूलियर कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये इनका एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। अब इस वर्ड के बाद हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले अबाउट 85,000 स्पीशीज। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 85,000 प्रकार के जंतु इसमें आते हैं। अब ये क्यों इतना बड़ा है, मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं उनमें एक क्लास बनाया गया है इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है, जिसका मतलब है कीट वर्ग, जिसमें इंसेक्ट यानी कि कीट रखे गए हैं। तो आपको बता दूं कि कीटों का जो संसार है वो बहुत विशाल है। इस क्लास इंसेक्टा में इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं जिसकी वजह से आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम माना गया और सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसी में रखी गई। इसके बाद आपको बताया गया वॉन शीबोल्ड, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन शीबोल्ड, एस्टैब्लिश द फाइलम। उन्होंने इस फाइलम की स्थापना की, यानी उन्होंने ही आर्थ्रोपोडा नाम रखा। इसके बाद आपको बताया गया लार्जेस्ट फाइलम, जैसा कि आपने देखा कि नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी ज़्यादा हैं इसलिए सबसे बड़ा फाइलम है, दूसरा कोई ऐसा फाइलम नहीं है जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी ज़्यादा हो, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। और दूसरी बात, लगभग हमारे जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल्स हैं उनका 80% से ज़्यादा भाग इसी में आता है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 80% से ज़्यादा एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में हैं और बाकी बचे हुए 20% में अदर एनिमल्स रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की, यानी कि सामान्य लक्षणों की। तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स डेली के कंपैरिजन में आप देख रहे हो थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे डिटेल में आपको बताया है। पहला, दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलाइटन, इस शब्द का मतलब होता है सर्वव्यापी। ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर, पानी में और हवा में, तीनों जगह पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे सर्वव्यापी। इंग्लिश में कॉस्मोपोलाइटन मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल द थ्री हैबिटेट्स सच एज लैंड, वाटर एज वेल एज इन एयर। हवा में भी हो, जमीन पर भी हो और पानी में भी पाए जाएं, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे कि ये कॉस्मोपोलाइटन हैं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब ये जो इनकी बॉडी होती है ये तीन सेगमेंट्स में बटी होती है जनरली, मोस्टली, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली। कैसे? ऊपर आप देख सकते हो क्या है, हेड है, तो ये हेड हो गया। हेड के नीचे क्या है, थॉरेक्स,
यानी कि वक्ष हो गया, और थॉरक्स के नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, एब्डोमेन है। तो बॉडी तीन पार्ट्स में बटी है, आप देख सकते हो, हेड, दूसरा पार्ट थॉरक्स और तीसरा पार्ट एब्डोमेन। तो जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं या जनरली स्पाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में तीन पार्ट हैं, हेड है, थॉरक्स है और एब्डोमेन है। अगला पार्ट है, एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ काइटिन एंड ज्वाइंटेड लेग्स। देखिए एक्सोस्केलेटन हिंदी में कहेंगे बाह्य कंकाल, जैसे कि पीछे के फाइलम में आप देख रहे थे कि बॉडी पर क्यूटिकल की कवरिंग होती थी, वैसे ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ है काइटिन, उसी के द्वारा इनकी बॉडी पर बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन बना होता है। लाइक अगर आपने कॉकरोच देखा है तो आपको कॉकरोच की बॉडी पर ब्राउन कलर की एक कड़ी सी चमड़ी जैसी दिखाई देती है, एक लेदरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो काइटिन है। और भी जितने इंसेक्ट्स होते हैं या इस फाइलम के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो हार्ड कवरिंग है वो काइटिन की बनी है, तो वो इनका बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। और ये पॉइंट डिफरेंट है, जॉइंटेड लेग्स जैसा कि मैंने शुरू में ही मेंशन किया कि ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि इनमें खंडयुक्त पैर यानी कि जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है फिर से बता रहा हूं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ऐसी बॉडी जिसको बीच से काटने पर दोनों तरफ दो समान भाग मिले उसे हम कहेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। आप देख सकते हो कि अगर हम बीच से कट करें तो दोनों तरफ के पार्ट्स जो होंगे वो हाफ कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। जब तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं हिंदी में त्रिस्तरीय और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। यूसिलोमेट्स, आपने पिछले फाइलम में एनलेडा में पढ़ा था कि बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी है, ट्रू कैविटी का मतलब वास्तविक देह गुहा है, और ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक देह गुहा है, ट्रू कैविटी है, उन्हें हम कहते हैं यूसिलोमेट, क्योंकि बॉडी कैविटी को हम सीलोम के नाम से भी जानते हैं। तो जब सीलोम प्रेजेंट होगी, वेल डेवलप होगी, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे यूसिलोमेट्स या यूसिलोमेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स हों, माउथ और एनस, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र पूर्ण होता है। एंड माउथ पार्ट्स आर डिफरेंट टाइप्स। माउथ पार्ट्स, हिंदी में बात करूं तो मुखांग। आपको बता दूं कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें बाइट करके जाते हैं यानी काटते हैं, कुछ सकिंग टाइप इंसेक्ट होते हैं लाइक मॉस्किटो हमें बाइट करता है, ब्लड सक करता है, कुछ स्पंजिंग टाइप के होते हैं जैसे हाउस फ्लाई होती है वो हमें कट नहीं कर पाती है लेकिन उसकी जो स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट से उनका सेल सैप चूसते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट में बोरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स में कटिंग कर देते हैं। तो मतलब क्या निकला कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो माउथ पार्ट्स हैं, उनके जो मुखांग हैं, वो अलग अलग प्रकार के अडॉप्टेड होते हैं, अलग अलग प्रकार की मोड ऑफ फीडिंग होती है सभी की, भोजन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आपने लिखा कि माउथ पार्ट्स आर डिफरेंट टाइप्स एंड अडॉप्टेड फॉर द वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट बात जो मैं बता रहा हूँ वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, वो सिस्टम जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाता है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और इसी में हमारा हार्ट आता है, हमारा ब्लड आता है और हमारी ब्लड वेसल्स भी आती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लोज टाइप बताया था कि जब हमारा ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर से बहता है, मतलब जैसे अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, और जो हमारा ब्लड होता है वो उन्हीं रक्त वाहिनियों के अंदर से बहता है। इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज टाइप या बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे ही, लाइक सपोज करें हमने आपसे कहा कि ये कॉकरोच है और ये कॉकरोच की बॉडी कैविटी है, ठीक है, आप ऐसा मान लें कि ये कॉकरोच है और कॉकरोच की ये बॉडी कैविटी है, तो ये जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। जब ब्लड वेसल्स ना हो और ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर भरा हो तो
इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो कि फाइलम ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में पाया जाता है। तो जब क्या डेफिनेशन हुई आपकी ओपन टाइप की, कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर ना बहे, बॉडी के चैम्बर्स में, बॉडी की कैविटी में ऐसे ही भरा रहे, तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद लिखा है विद डॉर्सल हार्ट। आपको बता दूं कि बॉडी में दो सरफेस होती हैं, ऊपर वाली पृष्ठतल यानी डॉर्सल साइड, नीचे वाला अधर तल यानी कि वेंट्रल साइड। तो जो ऊपर वाला है डॉर्सल साइड है, उसी पर में हार्ट पाया जाता है। ह्यूमन की बात करें तो हमारा हार्ट कहाँ पर है, वेंट्रल साइड में है, लेकिन इन लोगों में कहाँ है, डॉर्सल साइड पर, बैक साइड में है। तो द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। कॉकरोच में हार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इस टाइप से हार्ट होता है कॉकरोच में। और आपको बता दूं कि कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये डिटेल में बात करूंगा जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा आपको। तो ये क्या है, डॉर्सल हार्ट है। तो आपने देखा कि इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है, और इनका जो हार्ट है वो कहाँ है, डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पायरेशन बाय बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रकिया और बुक लंग्स। रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन। श्वसन के लिए हमारे पास तो लंग्स होते हैं, लेकिन इन एनिमल्स के पास कई तरह के ऑर्गन्स हैं जिनसे ये रेस्पायरेशन या श्वसन करते हैं। पहला ऑर्गन आपको बताया गया बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं ऑर्थोपोडा में जो अपने शरीर की सतह से यानी बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन कर लेते हैं। दूसरे हैं जो गिल्स से, अगर कोई पानी में रह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि एक एनिमल होता है जैसे हम सभी जानते हैं प्रॉन। तो जो प्रॉन है कुछ इस तरीके से दिखता है, रफली आपको बना के बता दिया। तो प्रॉन की बॉडी में क्या होता है कि यहां पर पाई जाती हैं गिल्स, जैसे मछलियों में गिल्स होती हैं रेस्पायरेशन के लिए, वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं जिनमें क्या होता है, गिल्स होती हैं, और गिल्स की सहायता से ये पानी में सांस लेते हैं। तो रेस्पायरेशन के लिए बॉडी सर्फेस से गिल्स हैं, ट्रकिया। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर पतली पतली ट्यूब का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया के द्वारा ये रेस्पायरेशन करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी में आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पायरकल्स, और इन स्पायरकल्स से जब एयर अंदर जाती है तो ट्रैकिया के नेटवर्क में चली जाती है, यानी कि रेस्पायरेशन के लिए इसके पास क्या होता है, ट्रैकिया। और बुक लंग्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बुक लंग्स मतलब ऐसे लंग्स जो किताबों की तरह दिखाई देते हैं, बुक्स की तरह अपीयर होते हैं, उन्हें कहा जाता है बुक लंग्स। और ये भी कुछ मेंबर्स में होते हैं, जैसे स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी होती है उसमें रेस्पायरेशन के लिए बुक लंग्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब है उत्सर्जी अंग। हम सभी जानते हैं कि सभी एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ग्रीन ग्लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे प्रॉन, मैं बात कर रहा था अभी, प्रॉन में क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम एंटेनरी ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये इसके एंटीना के ठीक नीचे पाई जाती हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड होती हैं। और मैल्पिजियन टिब्यूल, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें कहा जाता है मैल्पिजियन टिब्यूल्स, और इसका एग्जांपल है कॉकरोच। जब हम कॉकरोच को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसी होती हैं मैल्पिजियन टिब्यूल्स, इनका क्या फंक्शन होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें कि कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड, जिन्हें हम एंटेनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो पाई जाती हैं, और कुछ मेंबर्स में मैल्पिजियन टिब्यूल्स के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो दोनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स कंप्राइजेज एंटीना, सिंपल और कंपाउंड आईज। सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, वे ऑर्गन्स जिनकी सहायता से ये बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग। और इसके पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स जनरली होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एंटीना। ये जो एंटीना होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स में आपने एंटीना निकले हुए देखे होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये टच करके एंटीना से किसी भी चीज़ को जान पाते हैं, उसका एहसास कर पाते हैं। अंधेरे में शिकार करने के लिए या भोजन ढूंढने के लिए ये इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनके सेंस ऑर्गन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एंटीना है। उसके बाद है आइज़। अब आइज़ दो तरह की होती हैं, सिंपल आइज़ भी हो सकती हैं और कंपाउंड आइज़ भी हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंपाउंड आइज़, तो आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंपाउंड आइज। ये जो कॉकरोच की आई होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो आई है इसमें छोटे छोटे कई सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब आई जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, और इनके जो टुकड़े होते हैं
उनको कहा जाता है ओमेटिडिया, हिंदी में बोलते हैं नेत्रांशक। तो ओमेटिडिया पाए जाने की वजह से, या कह सकते हैं कि एक ऐसी आई जो कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होगी, उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड आईज। और कंपाउंड आईज की एक यूनिट को क्या कहा जाता है, ओमेटिडिया या फिर नेत्रांशक। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, उनमें जो विजन होता है, दृष्टि होती है, उसे कहा जाता है मोजैक विजन या मोजैक दृष्टि। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस फाइलम के मेंबर्स में मोजैक विजन पाया जाता है, मोजैक दृष्टि पाई जाती है, तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। अब मोजैक दृष्टि क्या होती है, इसकी बात हम कॉकरोच के डिटेल वीडियो में करेंगे। तो इनके पास सेंस ऑर्गन्स के रूप में क्या क्या हुआ, एंटीना हुए, सिंपल या फिर कंपाउंड आइज होती हैं। अगला पॉइंट है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। आपको बता दूं कि हर एनिमल अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अलग अलग चीज़ें निकालता है। जैसे कुछ एनिमल्स अमोनिया निकालते हैं, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। कुछ एनिमल्स यूरिया निकालते हैं, उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। और कुछ एनिमल्स यूरिक एसिड निकालते हैं, उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये कॉकरोच कैसा है या आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड। ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल। हम सब जानते हैं कि जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है और फीमेल अलग है। मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है अंडज। जो एनिमल्स अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओवीपेरस। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं यहाँ पर जो एक्सेप्शनली विवीपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। विवीपेरस का मतलब बच्चे देने वाले, जैसे स्कॉर्पियन यानी कि आपका बिच्छू, वो ओवीपेरस नहीं होता, विवीपेरस होता है। बट ज़्यादातर एनिमल्स इस फाइलम में कैसे हैं, मोस्टली दे आर ओवीपेरस। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि लैंगिक जनन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ कि जब कभी एग से लार्वा निकले, सीधे वो एडल्ट ना हो, लार्वा निकले और एक के बाद एक लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट होता हुआ फिर वो एडल्ट में बदले, तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। मतलब अंडे से निकलने वाला जीव अगर एडल्ट के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन अगर अंडे से निकलने वाला जीव एडल्ट के जैसा ही दिखाई देता है तो हम कहेंगे ये डेवलपमेंट कैसा है, ये डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। इस बात को मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो अगला टर्म हमारा है वो भी इसी पर डिपेंड करेगा। चलिए देखिए ध्यान से, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म का मतलब है आपका रेशम कीट। तो हमने मान लिया कि ये रेशम कीट का एडल्ट है, फीमेल है, और इस फीमेल ने कई सारे अंडे दिए हैं। और आपको पता है कि जो फीमेल होती है सिल्क वॉर्म की, रेशम कीट की, ये शहतूत की पत्तियां मलबरी लीव्स पर अंडे देती है। अब इन अंडों से बाहर आया एक लार्वा जिसको हमने कहा कैटरपिलर लार्वा। तो ये लार्वा जो था वो शहतूत की पत्तियों पर तेजी से घूमता है और उन्हें खाता है, तो ये लार्वा हो गया। लार्वा कुछ टाइम के बाद बदल जाता है एक अगली स्टेज में जिसे हम कहते हैं प्यूपा, और ये प्यूपा बंद हो जाता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहा जाता है कोकून। अब इसके अंदर ये बदल जाता है एडल्ट में और बाहर निकल आता है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले ये एडल्ट है, एडल्ट ने एग्स दिए, एग्स के बाद अगला फॉर्म जो आया वो क्या था, लार्वा था। लार्वा के बाद अगला फॉर्म जो आया वो क्या था, प्यूपा था। और प्यूपा के बाद क्या हुआ, फिर से एडल्ट बन गया। मतलब अंडे से निकलने वाला जो जीव था वो एडल्ट के जैसा नहीं दिख रहा था, तो डेवलपमेंट कैसा है, ये इनडायरेक्ट है। और अगर अंडे से निकलने वाला जीव, मान लीजिए सपोज करिए कि इसने अंडे दिए और इससे निकलने वाला जीव ऐसा ही होता जैसा कि एडल्ट होता है, बस आकार में छोटा होता, तो हम कहते कि डेवलपमेंट ये डायरेक्ट हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, तो डेवलपमेंट दो तरह का है, डायरेक्ट जब कोई लार्वल स्टेज ना हो, और इनडायरेक्ट जब लार्वल स्टेज पाई जाए।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपने वर्ड लिखा हुआ है मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेटामॉर्फोसिस। हिंदी में मैं कहूंगा इसे कायांतरण। कायांतरण का मतलब क्या होता है? काया में अंतर, चेंज इन द बॉडी। कैसे? देखिए यहाँ पर पहले ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, फिर ये इस तरीके का हुआ, उसके बाद ये इस तरह का हुआ, और ये फिर इस तरह से हुआ, तो लगातार इसकी काया बदल रही है। इसको हम कहते हैं हिंदी में कायांतरण और इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब जब फिजिकली चेंज हुआ बॉडी के अंदर एक के बाद एक लार्वल फॉर्म में, तो हमने कहा कि मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी कि कायांतरण होता है। तो आप याद कर लें इस बात को कि जब कभी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है तो मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी, और अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाएगी। तो मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपने देखा सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम कीट में पाया जा रहा है। तो ये थे आपके जनरल कैरेक्टर्स। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे घरों में लेकर बाहर तक बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं, और वो सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करते हैं, जैसे हनीबी यानी कि मधुमक्खी, कॉकरोच तिलचट्टा, बटरफ्लाइज जितनी भी तितलियां हैं, और बरसात के दिनों में जो आप लाइट के पास जितने भी इंसेक्ट्स देखते उड़ते हुए, वो सारे आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। प्रॉन, जिसे आप सामान्य भाषा में झींगा मछली कहते हो, प्रॉन कहलाता है वो। एंट्स, चींटियां जितने प्रकार की हैं। टर्माइट्स यानी कि दीमक। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। मॉस्किटोज, हमारे घरों में पाए जाने वाले मच्छर। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर खेती में जितने भी इंसेक्ट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे लगभग किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा को। तो यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर और एग्जांपल्स की बात हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कॉकरोच की, कुछ जनरल मॉर्फोलॉजी की, कुछ बाहरी संरचना की। कॉकरोच को अगर हम देखें तो आपको बता दूं कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच लगभग सभी देशों में पाया जाता है। ये ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट है, जो कि मेल थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट होता है और फीमेल थोड़ी सी ब्रॉड होती है। मेल फीमेल अलग अलग हैं। अब अगर इसकी बॉडी को देखें तो आप बॉडी में देख पा रहे हो कि देर आर थ्री सेगमेंट्स, तीन खंड हैं। ऊपर की सेगमेंट को हम हेड कह रहे हैं, ये वाला सेगमेंट थॉरेक्स कहलाएगा, और थॉरेक्स के नीचे क्या है? एब्डोमेन है। इसके हेड को देखें तो हेड पर पाई जा रही हैं कंपाउंड आइज। उसके अलावा क्या दिख रहे हैं आपको? एंटीना दिख रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या है? ये है माउथ पार्ट्स। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग टाइप होते हैं, काटने के लिए उपायोजित होते हैं। अब ये जो थॉरेक्स होता है, थॉरेक्स के निचले हिस्से से ही इसके तीन जोड़ी पैर और दो जोड़ी विंग्स निकलते हैं, जो कि दिख तो रहे हैं आपको अलग अलग, बट नीचे से देखने पर पता चलेगा कि ये सारे थॉरेक्स से ही निकले हुए हैं। तो थॉरेक्स हो गया, और थॉरेक्स से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी टोटल 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स निकले हैं, जिनको हमने लिखा है जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स। अब विंग्स को देखें तो यहाँ पर तो विंग्स मतलब खुले हुए नहीं है, मैंने यहाँ पर खोलकर भी दिखाए हैं, तो दीज आर द विंग्स। एक जोड़ी विंग्स इधर हैं और एक जोड़ी विंग्स इधर हैं। अब ये जो इसका एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जो खंड होते हैं, वैसे तो ये 10 होते हैं, बट मेल में 9 दिखाई देते हैं और फीमेल में 7 दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली 10 सेगमेंट होते हैं दोनों में। इसके बाद इनके जो सेगमेंट होते हैं उनको कहा जाता है टर्गम। इसका जो सिंगुलर है वो टर्गम है, तो एक खंड को क्या कहा आपने? टर्गम, और सारे मिलाकर कह दिए टर्गा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टर्गा, मतलब ये जो सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के, उन्हें टर्गा कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए कि बॉडी पर ये पोर्स आपको दिख रहे हैं एब्डोमेन में, इन पोर्स को हम कहते हैं स्पायरकल्स यानी कि श्वसन छिद्र। तो श्वसन छिद्र पाए जाते हैं इनमें श्वसन करने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए, इन्हीं से बाहर की एयर अंदर जाती है। इसके बाद अब देखिए नीचे की तरफ ये एक जोड़ी स्ट्रक्चर आपको ये जो बड़ी सी दिख रही है उसको लिखा है एनल सरसाई, प्लूरल है एनल सरसस, ठीक है, ये पाए जाते हैं सबसे नीचे की तरफ। और एक विशेष स्ट्रक्चर और भी मैंने रेड कलर से बनाई है, जिसका नाम लिखा हुआ एनल स्टाइल। एनल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में पाई जाती है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होती है, तो ये हमारा मेल कॉकरोच हो गया एक तरीके से। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कॉकरोच की जनरल स्ट्रक्चर थी। बाकी जब डिटेल में कॉकरोच की बात करेंगे, कॉकरोच पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें कॉकरोच की बॉडी के बारे में, उसके सारे सिस्टम के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और सारी बातें, लाइफ साइकिल वगैरह सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो ये जो वीडियो था वो स्पेशली था आपके आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन का, उसके जनरल कैरेक्टर्स का, और एक आउटलाइन स्ट्रक्चर, एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कॉकरोच की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे।
कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको बताऊंगा जो भी डाउट आपके होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।